कुछ आपको पता है या ऐसे मतलब ऐसे ही आप आ गए हैं? थोड़ा बहुत पता है कि मतलब हमारे जो मस्कुलर हैं उनको रिपेयर करते हैं। हाँ, वो तो फिजियोथेरेपिस्ट भी करते हैं और बाकी सब चीज़ों से भी होता है। इसके अलावा मतलब जैसे आपको पॉइंट्स हमेशा हमारी सारी बॉडी के पता होते हैं हाँ, तो उनको मिलाते हैं। मतलब अच्छा, उनको मिलाते हैं। ओके, वेरी गुड। तो अभी तक जो हमने किया वो आपको पता था, जो कपिंग किया, नीडलिंग किया? कपिंग वाला वैसे मैंने एक बार नेट पे देखा था लेकिन मुझे पता नहीं था ये क्या होता है। क्या होता है? वो सेल्स रिपेयर का होता है मेरे ख्याल से, बाकी अच्छा, पता नहीं मुझे। तो आपको अब ये करा के कैसा महसूस हो रहा है? ठीक लग रहा है मतलब। कोई अटपटा तो नहीं लग रहा? नहीं, कुछ अटपटा नहीं। कंफर्टेबल है? हाँ जी आपको बता दिया था कि निशान पड़ते हैं हाँ कपिंग से, जी है हाँ जी ना? जो हाँ कि जी अगले 5-6 दिन में, 4-5 दिन में जितने डाक होंगे हाँ उससे जी हल्के होंगे तो 3-4 दिन में चले जाएंगे, थोड़े ज़्यादा डाक होंगे तो 5-6 दिन में चले जाते हैं, है ना? ठीक है हाँ जी और धीरे धीरे जैसे हम रोज करते जाएंगे ये निशान भी आना बंद हो जाएंगे, है ना? ठीक है। अब ये लास्ट जो पार्ट होता है इसको हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट बोलते हैं, जिसको आप शायद इस तरह से समझते हैं कि हम आपके जॉइंट्स के जो भी टाइटनेस है या जो भी स्टिफनेस है उसको हम ठीक करते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है मैं कैप्चर कर सकूँ। हाँ और जी आप एक्सरसाइज करने वाले लग रहे हैं मुझे इस ड्रेस में, ड्रेस को देख के। ऐसा भी है क्या? एक्सरसाइज तो नहीं करती मैं, वॉक करती हूँ सर। वॉक करते हैं? वेरी गुड, तो अच्छी वॉक करते हैं ऐसा लगता है मुझे। हाँ जी बट एक चीज़ आपकी बहुत गलत है, तलबी दिखाना इसमें। ये जूते हैं ना, जूते जूते जूते, यानी कि इस आजकल ना मैं बहुत दुखी हूँ सारी कंपनियों से। हाँ जब जी भी सब जाते हैं उनको सबको ऐसे ही जूते देते हैं और ये जूते अच्छे नहीं हैं। ये तो मैं घर पे पहनती हूँ सर। हाँ, बट ये अच्छे नहीं है। अच्छा, जो चप्पल आती है जिसमें फेस होता है ना, बीच में उंगलियाँ चली एक्चुअली जाती में हैं। सर मेरे मेरे पास डॉग है, वो अच्छा मुझे घर पे तो शूज बिल्कुल भी नहीं पहनने ही नहीं देता, वो मेरे शूज ही खा जाता है। वो कितने अच्छा पेयर ऐसे हैं जो वो मेरे खा चुका है, अच्छा फिर तो कोई बात नहीं। उसकी वजह से बदावी मुझे। बड़ी बाहर तो नहीं पहनते एक से वॉक करते नहीं समय? नहीं नहीं सर, बाहर तो मैं नाइकी के ही पहनती हूँ। चलो, वेरी गुड। छोड़ेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, ब्रीद आउट कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा टाइटनेस मुझे महसूस हो रही है, सांस छोड़ो। हाँ, बहुत ज़्यादा टाइटनेस है ना? देखेंगे, छोड़ेंगे कितना खुलता है। ओ, अब पहलवान टाइप टाइटनेस लेके आए। छोड़ो छोड़ो, सीरियसली बोल रहा हूँ। आप इसको मजाक के वे में ले रहे हैं। एक तरह से तो अच्छा है कि आपकी बॉडी स्ट्रांग है, दूसरी तरह से बुरा है कि आपको ये दिक्कत दे रहा है ना? इसको थोड़ा सा हल्का करने के लिए, ताकि ये खुल जाएगा तो आपकी बहुत राहत हो जाएगी। आप मुझसे पूछ रहे थे ना हाँ जी कि आपने मुझे चेक नहीं किया था हाँ ना, जी तो जब हम ये करते हैं ना, हाँ जी यही हमारा चेकिंग भी हो जाता है हाँ जी और आपकी थेरेपी भी हो जाती है ना? हाँ जी रिलैक्स, इजी ब्रीथ आउट। देखिए थोड़ा सा खुल रहा है, वेरी गुड। टर्न करेंगे, मेरी तरफ मेरी तरफ, नीचे वाला पैर सीधा, इसको मोड़ लेंगे, नीचे वाला सीधा। इजी, क्रॉस कर लीजिए। सही है, मेरी बाजू में दर्द है, बस स्वेलिंग मुझे की मुझे वजह एक से। कंडीशन 2 सेकंड के लिए चाहिए बस। रिलैक्स, ब्रीथ आउट। बहुत स्टेप है, उस तरह लगेंगे आपको टाइम। आ जाइए, नीचे वाला पैर सीधा, नीचे वाला हिंदी सीधा, ये वाला हाथ लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए।
सारा वजन आपका सीधे पांव पे आ रहा है, जी इसलिए सीधे पांव वाला साइड जो है वो टाइट है, सीधा हो जाइए, रिलैक्स छोड़ेंगे। आहा गर्दन आपकी है बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी जाएं, किसी को बोले सर्वाइकल में बोलिएगा, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। आ जाइए, अब अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, कैसा लग रहा है आपको? मतलब गर्दन में तो बहुत फ्लेक्स लग रहा है। हाँ, कमर क्योंकि एक तरफ बहुत टाइट है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, और कमर गर्दन से लेके बीच तक का, छाती के पीछे तक का हिस्सा है वो सारा बहुत टाइट है, बहुत तरीके पत्थर से भी ज्यादा टाइट है। हाँ जी। तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, खुलना पड़ेगा, जैसे खुल जाएगा वैसे ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये अकड़न इसीलिए मतलब लगती है, जैसे अनरिलैक्स सा रहता है मतलब। बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम ऐसे हैं, टाइट है ना। हाँ जी, उसी की वजह से। ये क्यों हो गया वैसे? क्यों हो गया? मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इतने साल में धीरे धीरे हुआ है, तो एक फैक्टर नहीं हो सकता है। अब क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया इसीलिए आपको दिक्कत दे रहे हैं, अगर ये खुल जाएगा तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। बट जैसे भी हैं आप अच्छी हैं, इसको बेटर किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू व्यूअर्स।